नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुसेशन के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि सैमसंग गैलेक्सी M20 में एंड्रॉइड पाई एंड्रॉइड 9 का अपडेट आ चुका है, जो 1 UI 1.1 वर्जन के साथ आ जाता है, जो 1.8 GB का अपडेट था। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, जो आपको सेटिंग्स में मिल जाती है वो होगी डिजिटल वेलबींग। जो डिजिटल वेलबींग है, ये है क्या और आप इसको किस तरह यूज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप डिजिटल वेलबिंग में जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें, अदर्स, क्रोम, माय फाइल्स, फोन। तो ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक दिन में आपने कौन कौन से ऐप को यूज किया है और कितने समय के लिए यूज किया है। तो जैसे आप देख सकते हो, रिस्टार्ट होने के बाद से मैंने 34 मिनट्स के लिए यूज किया है और कौन कौन से ऐप यूज किए है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जानना चाहते हो कि सेटिंग्स मैंने कितने देर के लिए यूज किया है, तो आप देख सकते हो सेटिंग्स है जो 12 मिनट के लिए मैंने यूज किया है। वैसे अगर आप चाहते हो कि फोन कितने समय के लिए यूज किया है, तो फोन 4 मिनट्स के लिए यूज किया है। तो आप ये देख सकते हो कि दिन में आपने ये कौन कौन से ऐप्स कितने समय के लिए यूज किए हैं, आपने फोन को कितने बार अनलॉक किया है, लॉक किया है, कितने नोटिफिकेशन आपने एक्सेस किए हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। तो एक प्रकार का ये ट्रैकिंग सिस्टम है, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से ऐप यूज किए, कितने बार फोन को अनलॉक किया है, नोटिफिकेशन कितने एक्सेस किए है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है डैशबोर्ड। दोस्तों, डैशबोर्ड जो होता है, ये होता है एक टाइमर की तरह। मान लो अगर आपको अपना फोन किसी को हैंड ओवर करना है, या फिर आपको खुद ऐसा एक रूल बनाना है कि मैं अगर चाहूँ तो क्रोम जो है वो दिन में मैं 30 मिनट ही यूज कर पाऊँ, मुझे ऐसा एक सेटिंग रखना है, तो आप इस तरह से सेटिंग रख सकते हो। 30 मिनट का सेटिंग मतलब आप 30 मिनट से ज्यादा आप क्रोम को यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐप्स है, अगर आप चाहते हो कि आपने किसी को हैंड ओवर किया है और आप चाहते हो कि वो ज्यादा यूज ना कर पाए, तो आप इसी से यही से आप 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा इस तरह से कस्टम भी आप रख सकते हो। आपको जो टाइमर रखना है आप उस तरह से टाइमर रख सकते हो, तो उतने टाइम के लिए ही आप जो ऐप है आप इस्तेमाल कर पाओगे, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे उस दिन के लिए। और इसके अलावा आप नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है विंड डाउन। दोस्तों, जो विंड डाउन होता है एक टाइप का डू नॉट डिस्टर्ब टाइप होता है, इससे जो स्क्रीन होती है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हो स्क्रीन थोड़ी ग्रे हो गई है, और इसके अलावा आप देख सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन हो चुका है। तो आप इस तरह से विंड डाउन का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन, कौन कौन से ऐप नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है, तो आप यही से डिजिटल वेलबिंग से ही कर सकते हो। तो ट्रैकिंग सिस्टम है एक तरह का, आप अच्छी तरह से आपके जो यूसेज फॉर्म है, आप किस तरह से यूज करते हो आपके फोन को, ऐप को टाइमर सेट कर सकते हो, विंड डाउन का ऑप्शन यूज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप डिजिटल वेलबिंग से यूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में पाई अपडेट के बाद मिल जाता है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो इस ऐप के बारे में, इस फीचर के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।